बारासिया संजय नगर के विस्थापितों द्वारा आज भी बाकी मकान के किराए और पक्के आवास की मांग के साथ छेड़े गए आंदोलन के बीच आज कॉरपोरेशन तंत्र, सत्ताधारी पक्ष और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शोक सभा का आयोजन करते हुए रुदन के साथ भारी आक्रोश व्यक्त किया था। पिछले 15 से भी अधिक दिनों से विवादों में फंसे संजय नगर वसाहत के विस्थापितों द्वारा बाकी मकान का किराया और पक्के आवास की मांग के साथ विरोध आंदोलन छेड़कर अपने हक अधिकार की लड़त दी जा रही है। 2000 करोड़ के आरोप वाली संजय नगर की वसाहत में रहने वाले लोगों को मुरादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 3 साल पहले धराशायी कर तमाम को बेघर बनाया गया था, जिसके बाद तमाम को 18 महीने के दौरान पक्के आवास बनाने का और नियमित रूप से मकान का किराया देने को कहा गया था। लेकिन रात गई बात गई की तरह विस्थापितों को न ही मकान का किराया दिया जा रहा और न ही अभी तक पक्के आवास के लिए कोई भी बांधकाम भी किया गया। लगातार कई दिनों से कॉरपोरेशन तंत्र बिल्डर के खिलाफ विस्थापितों द्वारा आंदोलन करने के बाद आज आखिरकार विस्थापितों द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें संजय नगर के पीड़ित लोगों के लिए कोई भी हित में कार्यवाही नहीं करते हुए आज विस्थापितों ने संजय नगर के खाली बने प्लॉट पर धरना कर कॉरपोरेशन तंत्र, सत्ताधारी पक्ष और प्रधानमंत्री आवास योजना के खिलाफ शोक सभा का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के बैनर्स बोर्ड को जूते का हार पहनाकर तथा शोक सभा में रुदन के साथ महिलाओं ने भारी हल्ला मचाते हुए रोष व्यक्त किया था और आने वाले वक्त में न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन को और भी उग्र बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे वैसी चेतावनी देते हुए नाराजगी व्यक्त की गई थी। ये कार्यक्रम आज धरना 19वां दिवस है અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું અમે જે બેસણું રાખવામાં આવ્યું છે અમે તેનો નાશ કરી રહ્યા છીએ, તેનું ખંડન કરી રહ્યા છીએ કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના નામ પર અમારા જે સંજયનગરના 2000 પરિવારને બેઘર કરી આજે 4-4 વર્ષ થઈ ગયા છે, હજુ સુધી આ લોકોએ કામ નથી કર્યું, તેનું બેસણું રાખી તેમને ચપ્પલોનો હાર પહેરાવી અને અમે રાજ્યા કૂટી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે। આજે અત્યારે અહીંયા 200 જેટલી મહિલાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો છે। માંગણી અમારી એ જ છે કે વહેલી તકે અમને અહીંયા આગળ આવાસો બનાવીને આપવામાં આવે અને આવાસો અમને 600 ફૂટની બનાવીને આપવામાં આવે। 325 સ્કવેર ફૂટનું જે મકાન છે તેની અંદર અમારો પરિવાર નહીં રહી શકે, કારણ કે અમને 600 ફૂટનું ઘર જોઈએ છે, મોટું ઘર જોઈએ છે, કારણ કે જગ્યાના માલિક અમે છે, 50 વર્ષથી વસાવટ અમે અહીંયા પોતે કરી છે અને જે ઇન્દિરા ગાંધીનો કાયદો હતો રહેનું ઘર ને ખેડે એનું ખેતર, તો તેના હિસાબે અમે માલિક અત્યારે એ છે। શું તમે લોકો ઇન્દિરા ગાંધીએ જે કાયદા કાઢ્યા હતા તેનો તમે લોકો શું નાશ કરી રહ્યા છો? તે ભાજપ સરકાર જે કોંગ્રેસ સરકારે જેને જેને જગ્યા આપી છે તે છીનવી રહી છે અને તેના લીધે અમને ઘર નથી બનાવીને આપી રહી, કોંગ્રેસના લીધે અમને ઘર બનાવીને નથી આપવામાં આવી રહ્યા, તે પણ અમને એક મોટો સવાલ છે અમારો એમની પાસે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સંજય નગરનું જ કામ કેમ નથી ચાલુ કરવામાં આવતું? કેમ કે એ જગ્યા ઇન્દિરા ગાંધીની આપેલી છે તેના લીધે ચાલુ કરવામાં નથી આવી રહી। સીમાબેન રાઠોડ, आज का कार्यक्रम तो यही था कि 19 दिन से लास्ट ये लोग यहाँ धरने कर रहे हैं जगह जगह पे, सांसद से लेके, कॉरपोरेटर से लेके, म्यूनसिपल कमिश्नर से लेके सबको ही आवेदन पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक ये लोगों की समस्या सुनने को कोई आ रहा नहीं है। और ये बात भाड़े की तो ठीक है, भाड़ा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, काम तो बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इनका बड़ा मुद्दा एक ही है कि इनके जो मकान तोड़े थे PPP धोरण के ना प्रधानमंत्री आवासों के नाम पर, आज वो मकान तोड़ के ये लोगों ने इनके साथ अन्याय किया है, कारण के 17 लाख स्क्वेयर फुट जगह तोड़ के ये लोगों ने छुट्टी कर डाली है ने आज ये लोग इनको एक छोटे से मकान दे के इनको मतलब खुश करना चाहते हैं, लेकिन ये जो छोटे से मकान उसमें ये लोग खुश नहीं रह सकते हैं, कारण कि एक एक के घर में 8-8, 10-10 जन की फैमिली है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मासी इनके 3 लड़के हैं और तीनों लड़के शादीशुदा है, बुढ़ा बुढ़ी भी अभी भी है और तीनों लड़के के बच्चे भी है, तो उनकी तो फैमिली 15-16 जनों की है, तो ऐसे ऐसे घर बहुत है, तो इनको 300 स्क्वेयर फुट में किस रीत से मैनेज करेंगे ये बड़ा मुद्दा है। और अगर कॉरपोरेशन इनको 600 स्क्वेयर फुट का मकान नहीं देती है तो ये काम, तुम्हारा बोरिया बिस्तरा उठाओ, तुम्हारा डंपर निकालो, हमारी जगह हमको दे दो, हम लोग बांध डालेंगे। ने दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक इनका मुद्दा स्वीकारने में नहीं आएगा तो ये रेला बड़ौदा से गुजरात से लेके प्रधानमंत्री यहाँ से बन के दिल्ली गए तो हम यहाँ से लेके हम भी दिल्ली जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जब तक ये लोगों की मांग नहीं सुनाई दे। तो इसीलिए अभी भी मेरा कहना है कि जागो जागो, नींद में से जागो, नहीं तो जगाने के लिए हमको आता है, क्योंकि देश में बोलने का अधिकार सबको है, संविधान में है ना, प्रभु सोलंकी की ये लोगों को जरूर नहीं है, ये लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन बेचारे इनकी आवाज दबाई जाती है, लेकिन हम किसी से दबने वाले नहीं है, इसीलिए दिल्ली हमारे लिए दूर भी नहीं है। इनकी मांग सुनो तो दिल्ली नहीं जगाएगी, इनकी मांग नहीं सुनी तो दिल्ली तो हम खलबलाहट के साथ जगाएंगे, केजरीवाल ने नहीं जगाएगी, उससे ज्यादा हम दिल्ली को